बारसोई गोलीकांड नीतीश कुमार के पुलिस की बर्बर कार्रवाई है और सीमांचल में गरीब मजदूर और अकलियत के लोगों की वजह से, दलित और पिछड़े लोगों की बस्ती होने की वजह से नीतीश कुमार के अफसरों ने बेकसूर लोगों के सीने पर गोली चलाई है। मामला अगर धरना का था, प्रदर्शन का था, एसडीओ को बाजाब्ता लोगों ने नोटिस दे दिया था कि धरना कर किया जाएगा, उस हिसाब से उसको पुलिस को वहां पर बुलाना चाहिए था। अगर मान लिया कि अगर भीड़ भी ज्यादा थी तो आंसू गैस छोड़ने थे, लाठी चार्ज करनी थी, पानी के फव्वारे बुक करने थे, और ऐसे जगह पर गोली लगती भी है तो पांव में जानू में, लेकिन सर पर गोली लगी है, इसके माने दानिशता तौर पर पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई है। इन तमाम तर पुलिस के अहलकार और जिम्मेदार तमाम तर अफसरों पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। अभी पुलिस नकली तौर पर फैब्रिकेटेड एक वीडियो जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैं कह रहा हूँ 72 घंटे लगे इस मामले में, और जबकि सोनू शाह का भाई ये कहता है कि चश्मदीद गवाह हूं मैं कि मेरे भाई पर गोली चली है तो वर्दी वाले ने चलाई है, अगर वो मेरे सामने में आ जाए तो मैं उसे पहचान लूंगा। अगर मामला इस तरह का है तो बिहार सरकार जो अपने आप को कहती है कि गुड गवर्नेंस की सरकार है, तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी करा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 50-50 लाख रुपए मृतक के परिवार को जुर्माना सरकार अदा करे, तमाम तर कसूरवारों को सजा दे, सीमांचल में बिजली सुनिश्चित करे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये मामला आरा, छपरा, मुंगेर और गया में होता तब तो कोहराम मच गया होता, लेकिन कांग्रेस ने मुंह पर पट्टी बांध रखा है, आवाज नहीं निकलती, राजद के लोगों की आवाज नहीं निकलती, नीतीश कुमार जी का कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं आया, तो क्या जनता की दमनकारी सरकार, गोली और बंदूक की सरकार है? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय रहते हुए कसूरवारों को सजा, मृतक को मुआवजा मिले, वरना बिजली के लिए हजारों की भीड़ आई है, इंसाफ के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाएगी।